सो वी आर हैविंग थ्री क्वेश्चंस ऑफ टू मार्क्स लेवल। देखो, टू मार्क्स और वन मार्क्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है। वन मार्क्स वाले में आपको ऐसे ही रफ शीट में करके उसका आंसर देते हो। टू मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें नीडेड है एक दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लिखना। इज इट क्लियर? अदरवाइज देखोगे तो क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट सेम होगा, इसलिए चिंता नहीं करनी है। ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है। टू मार्क्स का क्वेश्चन जहां भी होता है वहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स को लिखेंगे। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हम लोगों को सभी बुक्स में दिखाई देता है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग लिखते क्या है, ये जो ऊपर में न्यूमरेटर में वन है उसको हम लोग लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डेनोमिनेटर का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो, हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी बाई सी अगर लिखा हुआ हो तो इसको लिख सकते हैं ए बाई सी प्लस बी बाई सी। हैविंग दैट आइडिया, दैट कॉन्सेप्ट, यहाँ हम लोग अगर इसको सेपरेट करके लिखें तो ये कितना होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई इतना, तो साइन स्क्वायर कैंसिल, इट विल बी वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विल बी कैंसिल आउट, तो बचेगा वन बाई साइन स्क्वायर एक्स, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स इतना डीएक्स। अब देखो, ये तो कंफर्टेबली हम लोगों को मालूम है कि ये सेक स्क्वायर एक्स है और ये कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स यहाँ हम लोगों को मिला। हम लोगों को पता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल वैल्यू होता है माइनस कॉट एक्स, सो इट विल बी इक्वल टू दिस, और उसमें अटैच कर दो एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट। इज इट क्लियर? सो सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल। और फिर मैं कह रहा हूं, एम्फेसाइज करके कह रहा हूं, देखो सॉल्व जब भी किसी क्वेश्चन को टू मार्क्स लेवल का देखो और तुमको अगर उसका सॉल्यूशन आ रहा है तो उसको इतना लेंदी करके मत लिखो कि एक पेज दो पेज में सॉल्यूशन दे रहे हो। नो, नेवर डू दैट वन। सिंपली उसका वेटेज टू मार्क्स का है, सम इंपॉर्टेंट स्टेप शुड बी देयर। इज इट क्लियर? चलो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन देखने में फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है, लेकिन अगर मैं इसके बदले में ये क्वेश्चन देता आपको कि आप बताओ कि 5 to the power x dx कितना होगा, तो आप कहते सर ये भी कोई पूछने की बात है, it seems very simple question, तो कोई दम ही नहीं है सर, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, 5 to the power x by log 5। इज इट क्लियर? एक्चुअली ये क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है कुछ नहीं, आप थोड़ा ध्यान से देखो। अगर हम लोग कहें आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स ए टू द पावर एक्स डी एक्स, तो ए कॉन्स्टेंट है बेटा, यहाँ ए कुछ नहीं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, तो आप इसको समझो ये ए ई टू द पावर एक्स डी एक्स है। अब ए भी कॉन्स्टेंट, ई भी एक कॉन्स्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट एक कॉन्स्टेंट होगा, आप समझो, थोड़ी देर के लिए समझो, है नहीं, थोड़ी देर के लिए समझो कि ये 5 लिखा हुआ है, तो वही आंसर होगा जेड। तो इसका सॉल्यूशन हमको पता है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, ए ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग, जैसे उसमें 5 लिखते थे लॉग 5, वैसे यहां लिखेंगे ए ई, इज इट क्लियर, प्लस सी। अब चूंकि लॉग का केस है तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो अच्छा होगा। ये हो गया ए ई टू द पावर एक्स, डेनोमिनेटर में कितना हो गया लॉग ए इंटू ई, इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज कर ले, log m into n is equal to log m plus log n, इस प्रॉपर्टी को यूज कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं इसको log a plus log e। फिर ध्यान दो, जहां कुछ नहीं लिखते वहां पर बेस जो होता है वो e होता है। अगर बेस e है तो हमको पहले से पता है कि e का वैल्यू e के बेस पर 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू उसी के बेस पर 1 होता है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1, तो फाइनल आंसर हो गया ए ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस लॉग ए। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन यार, बस इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज इट? चलो नाउ हम लोग देखें, नाउ द थर्ड क्वेश्चन। आपने तो अब तक सॉल्व कर ही लिया होगा पॉज करके वीडियो, लेकिन फिर भी नाउ इन दिस क्वेश्चन लेट आई इज इक्वल टू कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा बाई कॉस x माइनस कॉस अल्फा। देखो आज मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, ये लगातार जब भी
आप मेरे वीडियोस देखोगे तो जहां कहीं ऐसा सिचुएशन आएगा मैं कहूंगा, देखो कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे तो उसके वेरिएबल मतलब उसके एंगल पर ध्यान दो। एंगल जो होने चाहिए वो एक तरह के होने चाहिए, एंगल को एक तरह के बनाने की कोशिश करो। जैसे देखो यहाँ 2x है, 2 अल्फा है, यहाँ x है, यहाँ अल्फा है, तो एंगल्स अलग अलग है, तो इन एंगल्स का ये डबल है। तो अब अपने पास दो चॉइस है, या तो इन एंगल्स को डबल के टर्म्स में लिखें या इन फंक्शंस को उनके हाफ के टर्म्स में लिखें। तो बड़े एंगल को हाफ करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हम लोग न्यूमरेटर पार्ट को x और अल्फा में लिखेंगे। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये तो हो गया कि ऐसा लिखेंगे, लेकिन यहां पर क्या लिखेंगे इस पर ध्यान दो। तो लिखेंगे ये कि अपने पास सारा फंक्शन कॉस में दिख रहा है, तो कॉस 2x को भी कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। देखो हम लोगों को पता है कि कॉस 2 थीटा इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कॉस के टर्म्स में, इस साइन को अगर हम लोग लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है ये हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर हम लोग इसको अगर इसको साइन के टर्म्स में लिखना चाहें, इसको अगर हम लोग लिख दे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उस केस में ये हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग इस वाले पार्ट को यूज करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसको चेंज करके कितना लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और माइनस ये जो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब थोड़ा देखो ये कुछ भी नहीं है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस 1 और यहां से माइनस माइनस प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो इसको हटा दो। अब अपने पास बचा कितना 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। देखो अब बहुत कुछ तुमको सिंपल सा रिजल्ट दिख रहा होगा, अब इस सिंपल से रिजल्ट को यूज करके इसका सॉल्यूशन लिख देना है। इज इट क्लियर? 2 कॉमन लेकर के बाहर कर दो, बाहर हो गया। अब बचा कितना cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, जो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म है, उसको लिख लो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा। अब देखो बेटा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है और डेनोमिनेटर में a माइनस b है, तो जैसे ही इसको फैक्टराइज करेंगे तो a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 2 a प्लस b। इज इट क्लियर? अब इसमें फाइनली ये देखो कि cos x का इंटीग्रेशन कितना, तो sin x। अच्छा मुझको बताओ cos अल्फा का इंटीग्रेशन कितना, sin अल्फा? नहीं यार, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, माई डेट भूल नहीं करना कि इसको माय इसको लिख दिया हम लोगों ने साइन अल्फा, नो नेवर, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस अल्फा, और उसके बाद अंदर में बचेगा इंटीग्रेशन में 1, तो उसके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, इसी को अरेंज करके लिख दिया जाए 2 साइन x प्लस x कॉस अल्फा प्लस c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, होपफुली यू एंजॉयड, एंड नाउ आई एम विद अनदर क्वेश्चंस। एज यूजुअल सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ओके नाउ आई एम सॉल्विंग। देखो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिटरमाइन द फंक्शन f(x) सच दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस। एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं, आपको डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन दिया हुआ है। देखिए आप इस बात को दिमाग में लाइए, इस प्रॉपर्टी को दिमाग में लाइए कि अगर कोई एक फंक्शन है, इस फंक्शन को अगर आप इंटीग्रेट कर दो और फिर जो रिजल्ट आता है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये जो रिजल्ट होता है ये होता है एफएक्स। इसी तरह से अगर इसका उल्टा इनवर्स वाला वर्क करो कि पहले से कोई फंक्शन अगर है उसको डिफरेंशिएट कर दो और जो रिजल्ट आया उसको इंटीग्रेट कर दो, तो फिर से तुमको मिलेगा fx, लेकिन इस बार जब इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन अंत में होता है, तो उसका इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं। आप देखो अगर लिखा हुआ है f डैश x e टू द पावर x स्क्वायर dx इज इक्वल टू x माइनस 1 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस k,
तो हम लोग करेंगे क्या कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों तरफ जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, ये अंदर का फंक्शन बाहर हो जाएगा, तो बाहर निकल करके आएगा एफ इन एफ डैश एक्स इंटू इतना ई एक्स स्क्वायर। ओके, ये फंक्शन है अपना यहां से यहां तक, ये बाहर में हो गया, इज इक्वल टू इधर डेरिवेटिव होगा, इधर डेरिवेटिव u into v का फॉर्म है, तो पहले मान लो कि मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा x minus 1 का डेरिवेटिव 1 into e x square प्लस, फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग रहने देंगे x minus 1 को और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e to the power x square into chain rule यूज करेंगे, x square का डेरिवेटिव 2x, k का डेरिवेटिव 0। अब देखो अपने पास दोनों तरफ e to the power x square कॉमन है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, देन वी हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसके बदले में वन हो गया, वन प्लस यहां हो गया एक्स माइनस वन, ये तो हट गया, इनटू टू एक्स। इज इट क्लियर? अब देखो अगर मान लो कि इसको हम लोग फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दें, सॉरी इंटीग्रेट कर दें अगर, तो ये जो डेरिवेटिव है, ये जो डेरिवेटिव आप देख रहे हो, ये अगर मान लो कि ये डेरिवेटिव अगर लिख दिख रहा है अपना, उसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो एफ एक्स मिलेगा, तो अगर एफ एक्स पाना है तो हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट कर दें एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो गया वन प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इतना का इंटीग्रेशन। अब देखो बेटा इसमें कुछ नहीं है, इसको अगर हम लोग फिर इंटीग्रेट कर दें तो कितना हुआ, अगर इंटीग्रेट करोगे डेरिवेटिव को, डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट कितना होगा, एफ एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट, तो अंदर में जो लिखा हुआ है एफ एक्स, ये होगा एफ एक्स होगा प्लस एक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट, तो ये कॉन्स्टेंट दोनों तरफ अगर पुट करना है तो उसी तरफ कर लेते हैं, इज इट क्लियर? तो इधर अपने पास आया इसका एक्स और इसका हो गया टू एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। देखिए इसको कैंसिल कर लेते हैं, इसका बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो गया 2 बाय 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस वन, हम लोगों के पास ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग देखो कि एक डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन है, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन है लेकिन इसका डेरिवेटिव नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे जिससे कि ये ओपन होकर के बाहर आ जाए। देखो किसी इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये फंक्शन बाहर लिखा जाता है। ओके, तो हम लोग अगर ऐसा करते हैं तो ये जो अंदर का जो फंक्शन है f(x) e टू द पावर x स्क्वायर dx ये मिलकर के बाहर आ जाएगा इतना, और इस तरफ जब डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो दोनों तरफ होगा, तो u * v का फॉर्म, तो पहले इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 हो गया, इज इट into e to the power x square लिख दिया, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं प्लस करके, अगली बार इसको रहने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x minus 1 e to the power x square, और x square को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा 2x, k का डेरिवेटिव 0। चलो इतना मिल गया, अब आप देख रहे हो कि e to the power x square सब में कॉमन है, इसको कॉमन लेकर के कैंसिल आउट करो, तो ये बच गया एफ डैश एक्स और ये बच गया 1, यहां इतना इंटू 2x। इज इट क्लियर? अब देखो फिर से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर ले, पहले इंटीग्रेशन में था तो डिफरेंशिएट कर लिए, पर्पस ये हो गया, ये गायब हो गया। अब इसके बाद फिर से अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इतना 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 2x, अब इंटीग्रेट अगर हम लोग करते हैं तो ये कितना होगा एफ डैश एक्स, इंटीग्रेशन के बाद जब हम लोग इसको बाहर लेंगे किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो फंक्शन मिलेगा लेकिन इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट होगा, ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इधर भी आने वाला है तो इधर छोड़ दिया, उस तरफ लिखेंगे तो ये हो गया एफ एक्स और इस तरफ हो गया इसका x और इसका हो गया 2x क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल हो गया, इसको अरेंज करके लिख दिया। इज इट क्लियर? इट इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउएवर सम टेक्निकल अप्रोच इज देयर। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, टू हैंडल द सेकंड क्वेश्चन, to handle the second question we need nothing to do, बस केवल एक बात ध्यान में रखो कि ये जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें रूट आ गया, जब रूट दिखाई दे तो रूट एक ऐसा फंक्शन है जिसको
जब याद रखो मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी कभी यूज करो तो ये जरूर सोचो कि जिसको तुमने सपोज किया है डिफरेंशिएशन के बाद वो क्या बनेगा। जैसे साइन एक्स सपोज किया है तो साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा। अब ये खोजो कि इंटीग्रांड में कॉस एक्स है कि नहीं, लेकिन रूट के केस में ई टू द पावर एक्स के केस में आपको ऐसा नहीं करना है, इसलिए कि रूट एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो रूट एक्स में ही आंसर आता है, ई एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो ई एक्स में ही आंसर आता है। सो इसको कुछ अलग से फंक्शन इंटीग्रांड में नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है, उसी टेक्निक पर बेस्ड है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन में आई सपोज कर लें इसको 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 डीएक्स, अब इसमें अगर हम लोग इस पूरे डिनोमिनेटर को रूट एक्स प्लस 1 को अगर हम लोग सपोज कर लें कि चलो दिस इज इक्वल टू टी, तो ये कितना हो गया डिफरेंशिएशन के बाद 1 बाय 2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 का 0 इतना डीएक्स इज इक्वल टू डीटी। अब देखो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहें तो कितना लिखेंगे, ये dx का वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो 2 रूट एक्स डी टी। अब आप बताओ रूट एक्स का वैल्यू तो यहां से आप कंफर्टेबली यूज करके लिख ही सकते हो, कितना इसको इधर ले जाओ तो t माइनस 1 डी टी। इज क्लियर? अब अपना ये सॉल्यूशन तैयार है। ये कितना हो गया देखिए, ये इसके बदले में तो t हो गया, dx के बदले में इतना हो गया 2 t माइनस 1 डी टी, ये हो गया dx के बदले में, और डेनोमिनेटर के बदले में हो गया t। अब आप इसको 2 बाहर कर लो, इसको डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई टी डी टी। अब आप देखो आपको मालूम है कि 1 का इंटीग्रेशन t और माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log t, log मॉडुलस t प्लस c। अब आप बताओ इसमें कुछ तो है नहीं, t का वैल्यू रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो तो ये हो गया 2 टाइम्स t के बदले में कितना, t के बदले में हो गया रूट एक्स प्लस 1 माइनस लॉग रूट एक्स प्लस 1। इज इट क्लियर? इतना प्लस सी। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इट वाज आल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इज इट? चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखें। बिफोर दैट वन आई नीड सम स्पेस, सो आई एम गोइंग टू रब सम पार्ट ऑफ द बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू इफ यू वॉन्ट टू हैव द सॉल्यूशन तो आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो। ओके, यस, नाउ आई एम रबिंग दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड टू हैव द सम रिक्वायर्ड स्पेस। देखो इस क्वेश्चन पर अगर नजर डालो तो क्या देख रहे हो, रूट के अंदर में एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स टू द पावर 6 है। ये एक खास तरह का पैटर्न है, इस पैटर्न को दिमाग में रखो। देखो जैसे ही तुम डिफरेंशिएशन से उठ करके इंटीग्रेशन में आए, तो इंटीग्रेशन में अब तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अब आपको हमेशा कुछ पैटर्न्स को जानना होगा, इसलिए कि बिना पैटर्न को जाने हुए अगर आप चाहो कि इन क्वेश्चंस को आप हैंडल कर लो, इट विल बिकम अ डिफिकल्ट टास्क, रादर वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ये एक खास पैटर्न है जिसके लिए हम लोगों ने इस बोर्ड पर इस क्वेश्चन को ले रखा है। सपोज करो कि लेट I इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स रूट अंडर एक्स टू द पावर 6 माइनस 1। देखिए अगर मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक बार जरूर अटेम्प्ट करो इस तरह के क्वेश्चन में कि इसका जो हाईएस्ट पावर है उसको बाहर निकालो। इज इट क्लियर? कोशिश करो। देखो इसमें अगर बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, अगर आप इसको बाहर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले तो तुमको कॉमन लेना पड़ेगा, तो एक्स टू द पावर 6 कॉमन लोगे तो यहां बनेगा 1 और यहां बनेगा 1 बाय एक्स टू द पावर 6। इज इट? अब देखो अब ये रूट के बाहर इसको करो तो ये स्क्वायर रूट है, बाहर आएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब इसका और ये एक्स मिल करके एक्स टू द पावर 4, तो ये हो गया एक्स टू द पावर 4। और भीतर में अपने पास बचा कितना, भीतर में अपने पास बच गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 6। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, ये जो क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो 1 बाय एक्स 4, देखो डेरिवेटिव में हमेशा याद रखो कि अगर हम लोग x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना होता है n x टू द पावर n माइनस 1। हम लोग पहले इस नंबर को छोड़े, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाता है। इस पार्ट पर ध्यान दें, इस पार्ट में क्या देख रहे हो,
कि जो भी इस पर पावर होता है उसमें एक पावर कम जाता है। तो अगर पहले से पावर निगेटिव में हो तो डिफ्रेंसिएशन के बाद इसका जो ऑर्डर होगा वो इस ऑर्डर का होगा। मतलब अगर कोई एक्स टू द पावर 7 है तो इसका डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो कुछ ऐसा होगा। ऐसा ही कुछ यहां दिख नहीं रहा है क्या? 1/x4 है। और मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो मैंने सपोज किया है आफ्टर डिफ्रेंसिएशन वो क्या बनेगा। जैसे साइन एक्स सपोज किया है तो साइन एक्स पर फोकस उतना नहीं करो जितना इस पर फोकस करो कि वो डिफ्रेंसिएशन के बाद क्या बनेगा। तो डिफ्रेंसिएशन के बाद कॉस एक्स बनेगा। कब ये सोच रहे हैं हम लोग? जब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहां पर 1/x4 है, तो 1/x4 किसका किसको डिफ्रेंसिएट करने के बाद बन सकता है? तो ऑब्वियसली उससे एक, ये देखो निगेटिव में पावर है तो उससे एक पावर अधिक, मतलब 1/x3। तो 1/x3 को अगर डिफ्रेंसिएट किया जाए तो ऐसा बनेगा। ये पहले समझ में आया। दूसरी बात ये कि 1/x3 का इससे कोई संबंध होना चाहिए, तो है वो, ये 1/x3 का स्क्वायर है। सो अब आइडिया क्लियर हो गया। अब हम लोग सपोज करने जा रहे हैं 1/x3 को, और 1/x3 को सपोज करते ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट सो नाउ लेट 1/x3 इज इक्वल टू टी। आप जैसे ही 1/x3 इज इक्वल टू टी लिखते हो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कितना होगा? देखो एक्स टू द पावर माइनस 3 है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 4 होगा। कहने का मतलब ये होगा माइनस 3/x4 dx इज इक्वल टू डी टी। देखो ये x/4 यहां दिख रहा है, तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो dx/x4 इज इक्वल टू माइनस 1/3 dt। अब ये जो अपना i है वो अभी कितना हो गया, dx/x4 ये पूरा मिलकर के माइनस 1/3 dt, तो माइनस 1/3 dt ये न्यूमरेटर में हो गया। डिनोमिनेटर में कितना हो गया, रूट के अंदर में ये कितना, 1 - 1/x3 = t, तो ये हो गया t2। अब देखो आप साफ देख रहे होगे कि अब तो ये सॉल्यूशन हो गया। अब ये बन गया कैसा, dt/√1 - t2 जो कि साइन इनवर्स का होता है, इसका मतलब 1/2 sin inverse t इसका सॉल्यूशन हो गया। अब ये बताओ कुछ करना थोड़ा ही है, t का वैल्यू जो था उसको लिख देंगे, तो t का वैल्यू कहां, 1/x3, तो साइन इनवर्स 1/x3। इज इट क्लियर? प्लस सी, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इट वॉज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन बट इट वॉज अ पैटर्न क्वेश्चन, एक खास पैटर्न का क्वेश्चन था। सो आप इस पैटर्न को अगर नहीं जानते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल रहेगा, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज ऑफ 2 marks कैलिबर। इज इट क्लियर? आप अगर इनको जान रहे होते तो ये सारे स्टेप्स तो लिखने नहीं पड़ते, बहुत कम स्टेप्स लिखते, और 2 marks के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं लिखने चाहिए। ओके okay?